मेरा नाम कातिब मोहम्मद गालिब, असल नाम है मोहम्मद गालिब। करीबन मुझको इसी मार्केट में 40 साल हो गए काम करते हुए उर्दू बाज़ार में। जब हम आए तो जब सब किताबें वगैरह अखबार मैगजीन सब हाथ से ही होती थी किताबत, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कंप्यूटर का दौर आता गया तो किताबत का काम कम होता चला गया। वजह है क्योंकि कंप्यूटर पे लोग ज़्यादा काम कराते हैं, कंप्यूटर से ही सब काम चला गया, तो इसलिए अखबार मैगजीन ये सब चीज़ें कंप्यूटर से होने लगी। पहले यहाँ पर तकरीबन 7-8 कातिब काम करते थे इसी मार्केट में, वो कुछ का इंतकाल हो गया, किसी ने छोड़ दिया है, कोई काम पेशा बदल दिया है, लेकिन मैं तो अभी किताबत में कर रहा हूँ और इसी से अभी अपना खर्च जो भी है वो है चल रहा है। लेकिन वो पहले वाली बात नहीं कि बहुत मशगूलियत रहना कि एक काफ़ी काम आते थे कि एक दिन में कोई शादी कार्ड लिखवाने, कोई पोस्टर वगैरह लिखवाने, कोई किताब लिखवाने, कोई अखबार लिखवाने, तो काम रहता रहता, कहीं कहीं दिन का काम एक एक दिन में आ जाया करता था, तो इसलिए काम की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन अब ये अब काम बहुत कम है ना, होने के बराबर हो गया है। अब इस मार्केट में अब कोई और कातिब नहीं है, सिर्फ मैं ही इस काम कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जब तक ये फन ताकि ज़िंदा रहे थोड़ा। अब लोग बाग कुछ काम ऐसे हैं जो किताबत से हो पाते हैं। अब जैसे अभी मेरे पास ये काम आया है, ये कहलाता है लाल खत। अब इसमें अंदर नाम भरने, ये कंप्यूटर से नहीं होगा, नाम नहीं भरे जाएंगे तो कातिब के पास ही आना पड़ता है। जैसे ये आया है मेरे पास तो इसमें नाम जो है वह हाथ से भरे जाएँ, तो इस तरह कुछ काम आ जाते हैं। बाकी मेरा यह है कि किताबत भी चलती रहे, ज़िंदा रहे, लोगों को आने वाली नस्ल को पता रहे कि कातिब होते थे। ज़िंदा रहना चाहिए, बहुत अच्छा आर्ट है ये। ये तो आर्ट वो है जो पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुक़ रखता था। पुराने बादशाह लोग जो थे, नवाबीन हजरात या जो भी होते थे, उनके यहाँ कातिब रहता था और बादशाह लोगों ने भी इसको सीखा है। मुगलिया दौर में जामा मस्जिद वगैरह है, ताजमहल है, इनमें किसी अच्छी खत्ताती हुई हुई है, ये सब कातिबों ने किया है काम। जो इस फन से वाकिफ़ हैं वो कदर करते हैं भी, लेकिन नई नस्ल का मसला है ना, नई नस्ल को पता नहीं है कातिब क्या। मैंने देखा है बहुत से दफ़ा तो यहाँ मेरे पास आ जाते हैं कि जी हमको कातिब को देखना है, कातिब कैसे होते हैं। मैंने कहा भाई कातिब भी इंसान है और वो थोड़ा ही होता है। मेरा तो ये है कहना कि अगर इस फन को ज़िंदा रखना है, साल में दो नौकरी निकाल दें, जैसे कॉरपोरेशन के दफ्तर होते हैं, डाकखाने होते हैं, ऐसी जगहों पे पढ़े लिखे उसमें या कोर्ट वगैरह में ही लिख कि भाई दो कातिबों की ज़रूरत है सरकारी नौकरी के लिए। उसके बाद देखो फिर कितने सीखते हैं। रोज़गार से जब तक किसी चीज़ को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो तरक्की नहीं होती। देखिए जहाँ तक कैलीग्राफी का ताल्लुक है, उसका मरकज रहा हमारा उर्दू बाज़ार पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली मुग़लों के वक्त में आबाद हुई और वो कई वजहों से जो पूरे दुनिया भर में मशहूर है उसमें कैलीग्राफी एक चीज़ है जिसके लिए वो मशहूर रही। मैं 80 के ज़माने की बात बताता हूँ, जो कहते हैं कि हर 10 कदम में एक एक कैलीग्राफर वहाँ पर बैठा करते थे। तमाम चीज़ें मुनहसर थी कैलीग्राफी पर, पहले तो हाथ की लिखी हुई किताबों की चलन थी। तो हर पब्लिशर, हर प्रिंटर अपने अपने खुद के कैलीग्राफर रखा करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जादुई दौर कह लीजिए या सुनहरी दौर, वो सुनहरा दौर कैलीग्राफी का, वो कम होता गया। उसकी खास वजूहात रही कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की ईजाद, प्रिंटिंग मशीन का आ जाना और लोगों को वक्त के ताल्लुक से जल्दी काम करने की जो आदत बनी वो भी एक वजह है। आज के दौर में जो उर्दू बाज़ार है वहाँ पर एक दो कैलीग्राफर रह गए हैं, तो
ये एक कोई खास रोजमर्रा की आमदनी न हो पाने की वजह से तो जो कैलीग्राफर थे उन्होंने इस काम के लिए अपने आने वाली नस्लों को उस तरह का जो है इंस्पायर्ड नहीं किया, क्योंकि ये काम कमज़ोर हो चुका था ऑलरेडी। देखिए, एक नफीस और बड़ी खूबसूरत फ़न है। इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए कुछ इदारे होने चाहिए। सरकारी तौर पर भी, हुकूमत के तरफ से भी कुछ इस पर इकदाम लिए जाने चाहिए, लेकिन हुकूमत की बेतवज्जी है। इन चीज़ों को बचा के रखने के लिए अवाम के तरफ से भी, हुकूमत के तरफ से भी कुछ इकदाम उठाने चाहिए और इसको बचा के रखने के लिए पहल होनी चाहिए।